नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मैकेनिक। आज की जो वीडियो है, TVS स्टार सिटी 110 सीसी की बाइक आप देख सकते हैं मेरे पास रिपेयर होने के लिए आई हुई है। और इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद एक्सीलेटर लेंगे, एक्सीलेटर को जब डाउन करेंगे जो एग्जॉस्ट है वहाँ से पट पट की साउंड आती है, मतलब कि दोस्तों मिसफायर कर रही है बाइक जब हम एक्सीलेटर को डाउन करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूं स्टार्ट करके, इसमें जो मिसफायर हो रही है किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है स्टार सिटी में। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट। एक्सीलेटर लेने के बाद जब मैं डाउन करता हूं तो मिसफायर करती है एग्जॉस्ट। आपको चेक करता हूं, मिसफायर करते हुए आपने सुन लिया होगा स्टार सिटी का। एक बार फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। एग्जॉस्ट से जो आपने साउंड सुना, TVS में ऐसी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जैसे कि विक्टर, स्टार सिटी, स्पोर्ट्स, TVS की जो 100 सीसी की बाइकें हैं, 110 सीसी, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसका करेंगे हम स्पार्क प्लग चेक, टैपेट, कार्बोरेटर, एयर फिल्टर, चार चीज़ को हम करेंगे चेक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग देख सकते हैं आप, इसका जो गैप है, गैप भी इसका कम है, देख सकते हैं। और इसमें जो एवरेज होता है, एवरेज है नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका जो स्पार्क प्लग का पॉइंट है, देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ब्लैक का मतलब दोस्तों इसकी जो स्टार सिटी की एवरेज है, एवरेज भी ठीक नहीं है। और कार्बोरेटर की ट्यूनिंग हम करेंगे। सबसे पहले इसका हम करेंगे एयर फिल्टर ओपन। एयर फिल्टर बॉक्स ओपन हो गया। एयर फिल्टर की कंडीशन देख सकते हैं आप, एयर फिल्टर का कंडीशन क्या है, सड़ गया है पूरा, देख सकते हैं, जैसे कि ये कभी साफ ही नहीं हुआ। एयर फिल्टर देख सकते हैं, एयर फिल्टर किस तरीके से टूट रहा। एयर फिल्टर भी न्यू डलेगा इसके अंदर, सफाई कर लेंगे हम एयर फिल्टर बॉक्स को। अब करेंगे इसका हम कार्बोरेटर ओपन। कार्बोरेटर की भी सफाई करेंगे दोस्तों। अब इसमें हम स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर क्लीन और एयर फिल्टर न्यू डालेंगे। और इसके बाद लास्ट में करेंगे हम टैपेट सेट। कार्बोरेटर की सफाई हम कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें आपने देखा जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर सड़ गया है बिल्कुल, आप टच करने पे एयर फिल्टर का जो फॉर्म है वो टूट रहा है। कार्बोरेटर ओपन हो गया, सफाई कर लेंगे हम इस कार्बोरेटर की।
इसमें देख सकते हैं जो जंग है इसमें जमा हुआ है। कार्बोरेटर की हम सफाई करेंगे अच्छी तरीके से, और इसमें जो जेट लगा हुआ है जेट को हम वायर की मदद से साफ कर लेंगे। इसमें स्लो जेट और एयर जेट लगा हुआ है देख सकते हैं, दो जेट ओपन कर लेंगे हम, एयर जेट और इसके बाद स्लो जेट। एयर जेट देख सकते हैं हमने सफाई कर दी, और आर पार अच्छी तरीके से दिखना चाहिए इस तरीके से। और इसमें जो साइड में होल होते हैं देख सकते हैं भी साफ है। कार्बोरेटर में जो जेट लगता है देख सकते हैं, यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे तो दोनों सुराख इसके अंदर जो होल होता है साफ होना चाहिए, देख सकते हैं दोनों साफ है। कार्बोरेटर आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद जो जेट है उसको हमने लगा लिया और कार्बोरेटर क्लीन कर दिया अच्छी तरीके से। कार्बोरेटर की फिटिंग कर लेंगे हम, बुलेट तो बहुत कम सेल है भाई, बहुत कम बंदे बेचते बुलेट। साफ कर लो पहले, क्या कपड़ा मान लिया करना स्लाइड वगैरह में, ऐसे बढ़ता और ऊपर ना इसको। देख सकते हैं इसमें एक्सीलेटर स्लाइड और चोक केबल लगा दिया, टाइट कर लेंगे कार्बोरेटर को। कार्बोरेटर हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम लगाएंगे एनजीके का स्पार्क प्लग, देख सकते हैं इसका जो पुराना प्लग था उसको हमने रिप्लेस कर दिया, न्यू डाल रहे देख सकते हैं। इसका जो गैप है 0.9 mm होना चाहिए। इसमें लंबी चूड़ी का प्लग है देख सकते हैं, स्पार्क प्लग को हम लगा लेंगे हेड में। कार्बोरेटर स्पार्क प्लग देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, हमने लगा दिया। अब इसका जो टैपेट है टैपेट को भी सेट कर लेंगे। इसका जो एक टैपेट है दोस्तों इनलेट वाल्व साइड जो टैपेट है वो टाइट था, इसको करेंगे हम सेट। तो इसका जो टैपेट था वो टाइट था, और जो एग्जॉस्ट आउटलेट टैपेट है दोस्तों वाल्व वो ठीक था, और कार्बोरेटर साइड का जो टैपेट था वो टाइट था। दोनों की टैपेट हमने कर दी सेटिंग। सेटिंग करने के बाद जो कवर है टैपेट कवर इसको हम टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं टैपेट को हमने कर दिया सेट और कवर को टाइट कर दिया। अब इसका लगाएंगे हम एयर फिल्टर। एयर फिल्टर स्ट्रासिटी का देख सकते हैं फिटिंग कर देंगे एयर फिल्टर को। फिटिंग से पहले इस एयर फिल्टर जो जाली है इसको कर लेंगे हम क्लीन। क्लीन करने के बाद जो एयर फिल्टर है एयर फिल्टर फिटिंग कर लेंगे। एयर फिल्टर को फिटिंग करते हुए अच्छे तरीके से बैठा लेना है इसको। देख सकते हैं
एयर फिल्टर कंप्लीट है फिटिंग करके। फिटिंग से पहले इस पर हम थोड़ा लुब्रिकेंट्स लगा लेंगे ऑयल का, जो एयर फिल्टर है। लुब्रिकेंट्स लगाने का मतलब दोस्तों, जैसे कि हम इसका मिट्टी वगैरह क्रॉस नहीं होएगा और चिपक जाएगा बाहरी। देख सकते हैं एयर फिल्टर को हमने लुब्रिकेंट्स करने के बाद लगा लेना है। पत्ती और लगा लेंगे फिल्टर बॉक्स। कंप्लीट है स्टासिटी, आपने देखा। इसमें जो एग्जॉस्ट की प्रॉब्लम थी, मिसिंग करती थी, मिस फायर करती थी एग्जॉस्ट से, अब उसको हम चेक करेंगे। जो कार्बोरेटर का ट्यूनिंग है उसको कर लेंगे हम सेट। चढ़ दो कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग है उसको हमने कर दिया, आपने देखा। जरूर मत, अब इसका जो एग्जॉस्ट से साउंड आती थी पटाखे की, उसको हम चेक करेंगे। देख सकते हैं अब साउंड नहीं आ रही इसमें से पट पट की। ओके स्टार सिटी, अब इसका हम करेंगे टेस्ट ड्राइव। देख सकते हैं प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गया। साइलेंसर लगा, आपको माइक लगा के एक बार एग्जॉस्ट का जो साउंड आती थी वो चेक कराएंगे। ओके आते नहीं है मिसफायर है? आपने देखा जो मिसफायर थी वो गायब हो गई। तो इसमें हमने आपके सामने इसमें कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग एयर फिल्टर टैपेट की सेटिंग करी और जो इसमें प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ओके स्टार सिटी, करेंगे हम स्टार सिटी की टेस्ट ड्राइव। आपने देखा जो इसकी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया, अब इस स्टार सिटी की करेंगे टेस्ट ड्राइव। चलो चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे स्टार सिटी को लेके।
ले चलते हैं आपको कसौली रोड टाइप पे, कसौली चौक देख सकते हैं। चलेंगे हम कसौली रोड पे टेस्ट ड्राइव करने के लिए स्टार सिटी को। टेस्ट ड्राइव हमने ले लिया स्टार सिटी का, तो शॉप आ गया देख सकते हैं रवि ऑटो रिपेयर। बाइक का जो परफॉर्मेंस है ओके दोस्तों, आपने देखा जो टीवीएस स्टार सिटी में मिसफायर की प्रॉब्लम थी उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।